I heard a cannon. The ocean's rage. And they came. दोस्तों, अगर आप ड्रिंक करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि रम क्या होता है। सर्दी का मौसम, रम की बोतल गले पर एक शॉट लपेटे, जब रम की बोतल से नाप कर जरा सा रम ग्लास में भरते हैं तो उसी वक्त बॉडी में हल्की गर्मी दौड़ने लगती है और गिलास से होकर रम गले में उतरती है तो जो हल्की सी जलन के साथ देह में गर्मी आ जाती है, कितनी रोमांचक होती है इसका अंदाजा आपको अच्छे से होगा। कितनी बार रम को दवाइयों की तरह थोड़ी सी मात्रा में उन मरीजों को भी दिया जाता था जिन्हें कोई चोट लगी रहती। और अगर आप रम नहीं पीते तो भी आपको थ्री इडियट का वो सीन तो याद हो गई, जब तीनों दोस्त पानी की टंकी पर बैठकर रम पीते हुए अपने भीतर के तनाव और पढ़ाई के डर से खुद को कुछ पल के लिए राहत देते थे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम रम पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जिस रम की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम बकार्डी है। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और जानिए कि क्या थी दुनिया की सबसे महानतम रम डिस्टिलरी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में क्यूबा से। उस समय क्यूबा स्पेन के अधीन आता था, जिस वजह से क्यूबा में स्पेन से बहुत से लोग आते जाते थे और उन्हीं आने जाने वाले लोगों में से एक शख्स था जिसका नाम था फुकुंदो बकार्डी, जो 1830 में 16 साल की उम्र में ही स्पेन से क्यूबा आ गए थे। और इसी के साथ शुरू हुआ वो सफर जो आज बकार्डी के नाम से जाना जाता है। इनकी पैदाइश स्पेन के गरीब पोर्ट सिटी सिजस में हुई, जो शहर आर्थिक रूप से इतना कमजोर था कि बकार्डी ने मजबूरन वो शहर छोड़ दिया। इसके बाद फुकुंदो बकार्डी क्यूबा में सैंटियागो डी क्यूबा नाम के एक आइलैंड पर उतरा और उसने वहां की एक लोकल डिस्टिलरी में काम करना शुरू कर दिया। पैसे और आर्थिक तंगी ने उसे 16 साल की उम्र में इतना बड़ा कर दिया था कि उसने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया। असल में वो डिस्टिलरी इस शहर की एकमात्र सबसे बड़ी डिस्टिलरी थी, जिसे जॉन न्यून्स नाम का एक शख्स चलाता था। आपको बता दें कि स्पेन ने 8वीं सदी के दौरान अपने हर गुलाम बनाए देश में रम का प्रोडक्शन बैन करवा दिया था, क्योंकि वो अपने देश की महंगी वाइन का मार्केट बढ़ाना चाहते थे। लेकिन 1796 में क्यूबा से बैन हटा दिया गया और इसी के साथ जॉन न्यून्स क्यूबा का पहला रम डिस्टिलरी चलाने वाला इंसान बना। अब आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि करीब 200 साल पहले का रम आज के रम जैसा ही होता होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उस समय जो रम बनता था वो आज से बहुत अलग था। 18वीं सदी में भी ये रम बिल्कुल उसी तरह से बनाया जा रहा था जैसा कि 16वीं सदी में बनाया जाता था, जिसे क्यूबा के लोग अगुआर्डिएंटे कहते थे, जिसका मतलब होता है फायरी वाटर, यानी ऐसा लिक्विड जिसे पीने के बाद गले में जलन होती है, जिसे मोलासेस और पानी को मिलाकर बनाया जाता था। बता दें कि मोलासेस असल में गन्ने से बनाया जाने वाला बाय प्रोडक्ट है। इसके बाद इस मिक्सचर को फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते थे, जिसे बाद में बड़े बड़े कंटेनर में भरकर उबाला जाता था। उबालने के बाद इसे ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में बदल देते थे। इस नए बने हुए लिक्विड में करीब 85% अल्कोहल होता था। ये लिक्विड इतना कड़वा और हार्ड होता था, क्यूबा के लोग इसे ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करने की जगह दवा की तरह इस्तेमाल में लाते थे, जिसे किसी टावल के ऊपर लगाकर उसे हेडेक के दौरान सर पर या किसी गहरे घाव पर लगाया जाता था, जिससे कि वो घाव और सर दर्द सही हो जाता था। फुकुंदो कई साल तक उस डिस्टिलरी में काम करते हुए लिक्विड का प्रोडक्शन करता रहा, लेकिन उसका सपना कुछ और ही था। उसे इस लिक्विड से ज्यादा साफ और टेस्टी ड्रिंक बनाना था। उसके सपने ने तब आँख खोली जब उसकी शादी 1843 में अमलिया मरो से हुई, जिसके पिता के पास बहुत सी जमीनें थी। इसके बाद फुकुंदो घर जमाई बन गए और उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया, बिल्कुल वही किया जो एक घर जमाई करता है। अपने ससुर जी की पूंजी का इस्तेमाल करके फुकुंदो ने जॉन न्यून्स की उसी डिस्टिलरी को 1862 में $3500 में खरीद लिया और इसी के साथ उसने उस डिस्टिलरी का नाम रखा बकार्डी डिस्टिलरी। उसने जब अपनी डिस्टिलरी खोली तो उसने देखा कि उसके प्लांट के पास बहुत से चमगादड़ आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वो वहीं लटके रहते हैं। फुकुंदो ने जब ये देखा तो उसने उन्हें भगाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि वो चमगादड़ रम की महक की वजह से यहाँ पर आते हैं। दूसरा कारण ये भी था कि तब इन चमगादड़ों को शुभ प्रतीक माना जाता था। अब जब इन चमगादड़ों ने उनके प्लांट पर अपना अड्डा बना ही लिया था तो फुकुंदो ने भी इससे एक नई तरकीब ढूंढी और अपनी बकार्डी डिस्टिलरी के लोगों पर
चमगादड़ को बनवा डाला, जो आज तक भी उनकी बोतलों और ब्रांड के तौर पर दुनिया भर में देखने को मिलता है। कई महीनों तक फकुंडो अपनी डिस्टिलरी में रम को और टेस्टी और साफ करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करता रहा। अलग अलग मात्रा में ईस्ट मोलेसेस को बदल बदल कर मिलाने के बाद उनके डिस्टिल होने के प्रोसेस में भी कई प्रयास करके उसे एक परफेक्ट ड्रिंक बनाने की कोशिश कर रहा था। असल में होता कुछ यूं था कि जब मोलेसेस और वाटर को फर्मेंट होने के लिए रख देते थे तो उस दौरान उनके केमिकल रिएक्शन से अलग अलग एल्कोहल बनते थे। उन सबका अपना अलग अलग कंपोजिशन, टेस्ट और बॉइलिंग पॉइंट होता था। ईस्टर में फलों की खुशबू होती थी तो वही मेथनॉल जैसा एल्कोहल टॉक्सिक होता था, जिसे इंसान पी नहीं सकता है। ऐसे में जो एल्कोहल हल्की होती थी वो उबालने के समय जल्दी से भाप में बदल जाती है, और जो भारी एल्कोहल होते थे वही उस ड्रिंक या रम के फायरी वाटर होने के पीछे जिम्मेदार होते थे। फकुंडो को इन सब की केमिकल ब्यूटी और टॉक्सिक नेचर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने महीनों के प्रयास से आखिरकार वो रम बना ही ली जिसका टेस्ट उसे आखिरकार पसंद आया। आखिर में जो लिक्विड बना था वो काफी हाई क्वालिटी का था, जिस वजह से वो काफी लाइट भी था, देखने में बिल्कुल पानी के जैसा, और इसमें पुराने रम की गंदी महक भी नहीं थी। अब जब कोई चीज इतनी अच्छी हो जाए तो लोग तो उसे चाहेंगे। ऐसा ही हुआ उनकी डिस्टिलरी और ड्रिंक के साथ। पहले लोग बकार्डी प्लांट में अपना मग और बोतल लेके आते थे और वहां से रम भरकर ले जाते थे, लेकिन जब बकार्डी को लगा कि इस ड्रिंक की डिमांड बढ़ती जा रही है तो उसने फिर अपने रम को बोतलों में भरकर बेचना शुरू कर दिया। बैट यानी चमगादड़ के लोगो वाला बकार्डी रम जब मार्केट में आया तो बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैलने लगा, और आलम कुछ यूं हुआ कि 1868 तक बकार्डी पूरे क्यूबा में बिकने लगा। फकुंडो के सपने अब सिकुड़ने लगे थे, और वह स्वभाव से भी काफी हम्बल इंसान था, इसीलिए उसने कभी भी विदेशों में बकार्डी को पहुंचाने के बारे में कोई प्लान सोचा ही नहीं। लेकिन फकुंडो की मौत के बाद उसके बेटे ने जब बकार्डी को संभाला तो उसने अपने बड़े सपने की तय खोलनी शुरू कर दी, और पूरी दुनिया में बकार्डी रम को ट्रांसपोर्ट करने का सपना देखने लगा। उसके बेटे का नाम एमिलियो था, जिसे अपने देश को लेकर भी काफी मोह था। उसने बकार्डी से होने वाले फायदे का काफी हिस्सा क्यूबन रेवोल्यूशन में लगा दिया था, और क्यूबा ने इसकी मदद से 3 लड़ाइयां लड़ी थी। क्रांति में साथ देने की वजह से एमिलियो को क्यूबा से मोरक्को भगा दिया गया था, जिसके बाद जब क्यूबा 1902 में पूरी तरह से आजाद हुआ तो एमिलियो वापस से क्यूबा लौटा, और फिर उसे सैंटियागो का मेयर भी बना दिया गया। 1910 तक बकार्डी देश के बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन 1910 के बाद एमिलियो ने उसे विदेशों में एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया था। उसका मेन टारगेट था अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त तक अपने देश में इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। लेकिन इस प्रतिबंध का नुकसान बकार्डी को नहीं हुआ, क्योंकि बकार्डी का जो नाम हो चुका था उस वजह से अमेरिका के लोग फ्लाइट करके क्यूबा सिर्फ बकार्डी पीने आने लगे। लेकिन कंपनी को जो सबसे बड़ा झटका लगा था वो था 1959 के बाद, क्योंकि ये कंपनी सोवियत रेवोल्यूशन के सपोर्ट में फिदेल कास्त्रो का सपोर्ट कर रही थी। उसी कंपनी को कास्त्रो ने सरकार के आने के बाद बैन कर दिया, जिससे कि कंपनी को करीब $76 मिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा। क्यूबा के खत्म हो जाने के बाद बकार्डी ने अपनी नई शुरुआत बहामास से की, जहां 1 साल बाद फिर से कंपनी शुरू हुई, और इसी के साथ कंपनी फिर से चल पड़ी। आलम यह हुआ कि कंपनी ने 1964 में 1 मिलियन बकार्डी यूनिट पूरी दुनिया में बेची, और अगले 4 साल में यह संख्या सीधे डबल हो गई। इसके बाद भी कंपनी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज भी पूरी दुनिया में अपने नाम को कायम रखते हुए रम बहुत से लोगों की सबसे पसंदीदा ड्रिंक भी है। आप बकार्डी के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।